तो गाइस इस समय बाई नाउ पे लेटर इस टाइप का एप्लीकेशन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं एक तरीके से क्रेडिट कार्ड का काम करती हैं। जैसे कि आपको अपना बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड देता है, तो उसमें आपको कुछ लिमिट दी जाती है 10,000-20,000 की, और आप लोग उसे यूज करते हो, बाद में उसको पे कर देते हो और आपकी लिमिट वैसे की वैसे फिर से बन जाती है। तो इस तरीके से आज के टाइम पे काफी ज्यादा इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो ट्रेंडिंग में है। तो आज के इस वाले हम बात करने वाले हैं सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन की। बता दें कि ये एप्लीकेशन भी अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था रिंग पे लेटर के ऊपर, जैसे वहां पर आपको एक लिमिट दे दी जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी ये आपको सिर्फ आपके मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दे देता है और आप लोग उसको यूज करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी फीस नहीं लगती है, आपको यहाँ पर पता है ज्वाइनिंग फीस भी नहीं है, नहीं कोई एनुअल फीस है। यहाँ पर एक और बढ़िया चीज़ है कि आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट जो भी ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है वहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है, ये एक और अच्छी चीज़ है। साथ ही में इस एप्लीकेशन पर आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पर ही आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करवा देता है। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और आपको बताते हैं कि कैसे आपको सिंपल पे लेटर का अकाउंट बनाना है, कैसे उसका जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कितने रुपये की आपको लिमिट मिल सकती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाने वाले हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए इसको हम फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको भी यहाँ पर मजा आए, आपका भी काम हो जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना होगा सिंपल एप्लीकेशन को, और इस तरीके से इसका स्पेलिंग है आप देख लीजिए, इसमें लास्ट में ई नहीं लगा है। तो कुछ इस तरीके से ओपन करने के बाद इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइट्स दिखाया जाता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है, और इसका जो बिल है वो आपके पेमेंट के 15 दिन बाद जनरेट होता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपका यहाँ पर जो है अकाउंट बनने के लिए तैयार होगा। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा ये। अब आपका यहाँ पर ये KYC डिटेल लेगा, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए अपने हिसाब से। नीचे में आपको अपना जीमेल आईडी डाल के फिर आपको यहाँ पर टिक करना है, और आपको नीचे फिर क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपके सामने जितना भी आपको लिमिट मिलना रहेगा इस एप्लीकेशन से, जैसे कि आपको मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए अभी मेल पर भी आपके OTP आएगा, जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मेल आईडी से, जो आपने मेल आईडी दिया था उस पर से OTP देख लेना है। तो कुछ इस तरीके से मेल आईडी पर हमारे OTP आया हुआ यहाँ पर आपने देख लिया है। चलिए हम OTP वही वाला एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। OTP इंटर करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये आपके डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मुझे 3600 की लिमिट मिल चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया लिमिट है सिर्फ मोबाइल नंबर से। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने आपके सामने एक नई आधार कार्ड दिया है, नई पैन कार्ड, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से ही ये टोटल आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, और यहाँ पर मेरे को 3600 की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। अब जैसे आप यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया है, तो ये वो अप्लीकेशन है जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी एप्लीकेशंस पे। साथ ही में यहाँ पर पे इन 3 में भी आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि EMI में भी आप इन एप्लीकेशन पे इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका ये मेन इंटरफेस खुल के आ चुका है आपके सामने, जहाँ पर ऊपर आपको लिमिट दिख रही है, जो आपको यहाँ पर ऊपर आपको लिमिट दिख रही है उसके ठीक नीचे आपको एक 0 वाला बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर दोस्तों आप जितना यहाँ पर स्पेंड किए रहेंगे वो चीज़ दिखाई देगा। उसके बाद आप वहाँ पर पे नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये जो वन लेस रिमाइंडर है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑटो पेमेंट के लिए भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं कि आपका जो बिल है, जो आपने यहाँ पर पैसे खर्च किए, वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो ये भी इसमें एक काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप भूल जाते हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स में इसके सारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे, और यहाँ पर जो मोर का बटन है उस पर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि इसका कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इसका पेमेंट जो है वो हो सकता है। साथ ही में अगर आपको ये चीज़ जानना है कि इसका जो पेमेंट वो बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके भी पूरी ट्रिक लेके आ जाऊँगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए मोबाइल रिचार्ज, और यहाँ पर प्रीपेड परचेज, फास्टैग, अपना सिलेंडर, ये सारी चीज़ें भी जो है अपना DTH रिचार्ज, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि इस पैसे का इस्तेमाल इन कामों में भी आप कर सकते हैं। पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो बिल पे किए रहेंगे वहाँ से पे कर पाएंगे। तो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आएगा, सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करिए। आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।